दोस्तों, विंगिंग ऑफ स्कैपुला एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा स्कैपुलर जो ब्लेड है वो अफेक्टेड होता है। स्कैपुलर ब्लेड जो कि स्कैपुला का अंदर वाला हिस्सा होता है, जो यूजुअली हमारी पीछे वाली चेस्ट वॉल पर रेस्ट कर रहा होता है, मगर स्कैपुलर विंगिंग में ये बाहर की तरफ आ जाता है, जिससे क्या होता है, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है और आप आपके जो डेली रूटीन के काम है वो नहीं कर पाते, जैसे कि ब्रश करना या अपने शोल्डर पे कोई भारी वजन उठाना। अब ये होता क्यों है? किसी नर्व की इंजरी की वजह से हो सकता है। तो तीन नर्व इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इस पहला आता है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जो कि सप्लाई करती है सेरेटस एंटीरियर मसल को। दूसरी आती है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, जो कि सप्लाई करती है रोम्बॉइड्स मसल को। और तीसरी मसल आती है, वो है स्पाइनल एसेसरी मसल, जो कि सप्लाई करती है ट्रेपेजियस मसल को। अगर इन तीनों नर्व्स में से कोई भी एक नर्व अफेक्ट हो जाए तो वो आपके कॉज करेगी विंगिंग ऑफ स्कैपुला।